माय डियर फ्रेंड्स, सौरभ एंड मलिका की नई नई शादी की बहुत बहुत मुबारक, और आपकी जिंदगी में हजारों लाखों करोड़ों खुशियां आए। थैंक यू। और आप सदा खुश रहें, ये इस जयदीप के दिल की निकली हुई सच्ची दुआएं हैं आप दोनों के लिए। शादी के बाद किसी और से प्यार मत करना, वरना लाइफ का बैंड बज जाएगा। ठीक है भाई, मैं तो शादी के बाद बार बार प्यार करूंगा, लेकिन सिर्फ अपनी मलिका के साथ। नॉटी बॉय, नॉटी बॉय। वैसे तुम दोनों की किस्मत बहुत अच्छी है कि आप लोगों को जिंदगी स्पेंड करने के लिए इतना शानदार बंगला जो मिला है, यूं समझो तुम्हारी लॉटरी लग गई। लॉटरी बस यार जदीप, थैंक यू सो मच, ये सब तेरे कारण संभव हो पाया। यार सचमुच तुम्हारे जैसा दोस्त किस्मत वालों को मिलता है। फिर नौटंकी शुरू, अब अंदर चले। आइए आइए। वेलकम 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 मिस्टर सौरभ एंड मिसेस मलिका, स्वागत है आपका इस शानदार बंगले में। It's too good. Wow. बहुत अच्छा ना? क्या बंगला है, ब्यूटीफुल भाई। शादी होने की खुशी में और इस शानदार बंगले में रहने की खुशी में पार्टी तो बनती है सौरभ। बनती है, बिल्कुल बनती है। मिलेगी मिलेगी, पार्टी मिलेगी। बस हाँ बस। मजा आ गया। एनीवेज गाइस, मैं चलता हूँ फिर। तुम दोनों एंजॉय करो। अरे बैठना, अभी कहाँ जा रहा है? कल मिलते हैं कल। अच्छा मैं तेरे को बाहर तक छोड़ने आता हूँ, चल। बैठ 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 सुनो। अरे बस अच्छा ठीक है मलिका भाई, ध्यान रखना, आराम से जाना। ध्यान से। बाय बाय मलिका। बाय 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 बाय। एंजॉय। मलिका ये तो गया, अब हम भी चलते हैं अपने बेडरूम की तरफ। वैसे भी आज हमारी शादी की पहली रात जो है, चलें। अरे वाह, ये रूम किसने सजाया? ये रूम बहुत ही सुंदर लग रहा है भाई। बैठ जाओ, मोमबत्ती भी जला रखी है। अरे ये दूध का गिलास कौन लेकर आया? ये खैर किसी ने भी लाया हो, हमें तो पीने से मतलब। भगवान ये क्या हो रहा है सौरभ? वो हा? वो वहां पे आग लगी थी और बुझ भी गई, और ये दूध। आग लगी थी बुझ भी गई, कहां पर लगी आग? सौरभ शादी की पहली रात इतना बड़ा अपशगुन होना, दूध गिरना, आग लगना। सौरभ सौरभ ये सब ठीक नहीं है, ये बहुत बड़ा अपशगुन है सौरभ। तो तुम कहना क्या चाहती हो तुम? सौरभ ये बंगला हमारे रहने लायक नहीं है। क्या तुम्हारा दिमाग तो कहीं खराब नहीं हो गया? अरे ये बंगलो गोल्डी ने करोड़ों में खरीदा है, लेकिन आज उसी गोल्डी की लाश इसी बंगलो में दफन है। अगर घर में कोई लाश दफन होती है तो वो बहुत अपवित्र होता है, वो घर रहने लायक नहीं रहता। प्लीज हमें कुछ करना होगा, हमें आज ही उसकी लाश को कहीं ठिकाने लगाना होगा। ठिकाने लगाना होगा? हाँ, लेकिन उसकी बॉडी को वापस निकालना जरूरी है, और तभी हम इस बंगलों में रह पाएंगे। और आज ही रात को हमें ये सब करना होगा। प्लीज सौरभ, ठीक है ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं अभी जयदीप को फोन करके वापस बुलवा लेता हूँ, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ठीक है मैं बुला लेता हूँ।
जयदीप, मैं सौरभ बोल रहा हूँ। सौरभ, क्या बात, क्यों फोन किया? अरे तुम्हें अभी इसी वक्त बंगलो पर वापस आना पड़ेगा। बंगलो वापस आ जा, क्यों, किस लिए? अरे तू आ जा यार, मैं बताता हूँ, फोन पर बताने लायक नहीं है। लेकिन क्यों? अरे बोल रहा हूँ ना, अर्जेंट ही समझ यार, तू जल्दी वापस आ। ठीक है, मैं आता हूँ। हे भगवान, पता नहीं क्या अर्जेंट है, ख्याल रखना। जयदीप, मैं देखता हूँ। अच्छा हुआ आ गया। क्या हुआ यार? आजा अंदर आजा पहले। क्या हुआ, हुआ क्या? तू आ तो जा, मैं बता रहा हूँ तुझे। क्या हुआ यारा, की गल? की गल? वो जल्दी बुला लिया, सब ठीक तो है? कोई झगड़ा झगड़ा तो नहीं है आपस में? नहीं जो है ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर देखो जॉयदीप, बात समझने की कोशिश करो। मुझे तुम दोनों को इतनी रात में डिस्टर्ब करने का कोई शौक नहीं है। मैं जब से इस घर में आई हूँ, मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। और अंदर रूम में भी तो आग लग गई थी ना, हमें इस घर में पूजा करवानी होगी। तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अपवित्र घर, पाठ, पूजा, शांति, अशांति। बस करो, बहुत हो गया। तुम दोनों ने आती ही शराब पीनी शुरू कर दी। जब देखो शराब। तुम इधर आ, बैठो, आ जा। आज इतना बड़ा काम किया है हमने, तो थोड़ा और सेलिब्रेशन करना तो बनता है ना? हाँ। क्यों जयदीप? यस, सेलिब्रेशन तो बनता था। अरे गोल्डी का अंतिम संस्कार जो किया है हमने, और ऐसा अंतिम संस्कार कि जाते जाते भी उसे हमने शराब पिलाई, शराब। ग्रैंड विदाई दी हमने उसे। ग्रैंड विदाई, अच्छा। एनीवे, मैं चलता हूँ, बहुत रात हो चुकी है और मैं आप लोगों को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। आप लोगों की शादी की पहली रात है भाई, मैं चलता हूँ। बाय भाई, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। बाय 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 सौरभ, बाय बाय भाभी, बाय बाय बाय। अब ये शराब पीनी बंद भी करोगे या फिर मुझे बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि आज हमारी शादी की पहली रात है? अरे बाबा, नहीं दिलाना पड़ेगा, मुझे याद है। तुम चलो, मैं बस दो मिनट में आता हूँ। पक्का? पक्का। ठीक है। शादी की पहली रात इतनी गड़बड़ हो गई, मेरी गलती है। सौरभ को कहा था शादी के बाद इस बंगलों में रहेंगे। एनीवेज, कर भी क्या सकते। घर में ना जाने क्या क्या हो रहा है। बस दो घूंट और, अपनी जान मलिका के पास जाने से पहले दो घूंट और लगा ही लेता। अरे ये तो खत्म हो गई। आज तो कमबख्त पानी से ही काम चलाना पड़ेगा। अरे ये यहाँ पर रखी हुई है, जयदीप छोड़ कर गया होगा। खैर, मेरी लाल परी, हाँ, बनाने वाले ने भी कमाल की चीज बनाई है। शबाब से ज्यादा नशा तो इस शराब में। चीयर्स सौरभ। सौरभ, कौन है? अरे कौन है, किसने नाम बोला?
मलिका उठो। क्या हुआ सौरभ, तुम इतना चला क्यों रहे हो? मैंने अभी हॉल में कुछ आवाजें सुनी है। ये सब शराब की वजह से हो रहा है और कुछ नहीं। सो जाओ, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। तुमने आज हद से ज्यादा पी ली। मल्लिका सच कह रही थी। रात में मैंने जो आवाजें सुनी वो मेरा वहम ही रहा होगा। सब इस लाल परी के वजह से हुआ, सब कुछ। कमाल की चीज हो तुम स्वीट हार्ट, कमाल। ये क्या हो रहा है? तुमने सुबह सुबह शराब पीनी शुरू कर दी। लोग सुबह सुबह भगवान का नाम लेते हैं, बाहर जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, और तुम शराब पी रहे हो। ये क्या कर रहे हो तुम? इसकी वजह से पूरी रात खराब हो गई। चल मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ, तुम जाके फ्रेश रहो और अब पीना मत। पक्का? नहीं पीऊं। जाओ नाश्ता बनाओ, नाश्ता। तू मरेगा सौरभ, मरेगा। तो कौन है? कौन है यहाँ? तू मरेगा सौरभ। नहीं। मलिका, मैंने फिर से उसकी आवाज सुनी। ये तुम्हारा वहम है, ये तुम नहीं, तुम्हारी शराब बोल रही है। नहीं, मैंने सुना, मैंने खुद सुना। हेलो। हाँ जॉयदीप, मैं सौरभ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो सौरभ। तुम अभी तक सो रहे हो क्या? हाँ रात को लेट सोया था और सुबह लेट नींद खुली। वहाँ सब ठीक तो है ना? हाँ यहाँ पे सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा वो 5 करोड़ अभी भी तेरे पास ही है ना? हाँ मेरे पास है, क्या हुआ? हाँ तो रात को जब तू बंगलो पे आएगा ना तो वो पैसे लेते हुए आना। मैंने पालघर में एक प्रॉपर्टी देखी, बहुत अच्छी जमीन है। अब हम लोग ये फिल्म लाइन छोड़ के ना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करेंगे। हमारी लाइन में रखा ही क्या है यार, हाँ इसमें मोटा मुनाफा है। क्या बात है ब्रो, शादी करते ही धंधा भी चेंज कर लिया क्या? हाँ तो जरूरी है ना यार, अब कब तक सपनों की दुनिया में जीते रहेंगे हम लोग? 10 साल हो गए हमें इस फील्ड में, कुछ हुआ अभी तक नहीं ना, इसीलिए बोल रहा हूँ। नहीं नहीं यार, ये मत भूल ब्रो कि गोल्डी भी हमें उस फिल्म इंडस्ट्री की वजह से मिला। गोल्डी? बात तो सही है यार, लेकिन रोज रोज कहाँ मिलते हैं ऐसे बकरे? तू तो पैसे ले आना, वो मीटिंग ना कभी भी हो सकती है, ठीक है ना? हाँ ठीक है, मैं लेता हूँ। बाय बाय बाय। करोड़ मंगाने के पीछे वही वजह है जो सौरभ बता रहा है या कुछ और बात? मुझे लगता है वहम हो रहा है। वो जॉयदीप का फोन आया था। हाँ। पालघर की जमीन के बारे में कुछ बात कर रहा था। ये पालघर की प्रॉपर्टी का क्या चक्कर है? पालघर में मैंने एक प्रॉपर्टी देखी है, वहां पर हम रेसिडेंशियल फ्लैट्स बनाकर सेल करेंगे। बहुत अच्छी जमीन। अगर ये वाली डील हो गई ना तो बस ये समझ लो कि हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। 5 करोड़ क्या लाइफ में कम है जो तुम यूं हाथ पैर मार रहे हो? 5 करोड़ तो हमें किस्मत की बदौलत मिले हैं स्वीट हार्ट, लेकिन अब तुम देखना कि तुम्हारा ये सौरभ उन 5 करोड़ को 500 करोड़ में कैसे कन्वर्ट करता है, ताकि तुम्हें भी लगे कि तुमने एक इंटेलिजेंट आदमी से शादी की है। कुछ गलत तो नहीं कहा ना मैंने? नहीं।
बिल्कुल भी नहीं। यू नो मलिका, मैंने सुना है कि अगर तुम गरीब पैदा हुए तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम गरीब मरते हो तो इसमें तुम्हारी ही गलती। इसलिए मैं तुम्हें इस दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम एक अमीर आदमी की बीवी बनकर जियो, ना कि एक गरीब आदमी की बीवी बनकर। क्या बात है, आज बड़ी रोमांटिक हो रहे हो। क्योंकि हमारी कल की रात बहुत ही टेंशन वाली थी ना, बहुत डिस्टर्ब थे हम लोग, इसलिए तुम ये समझ लो कि आज की रात हमारी शादी की पहली रात है। एक बात कहूं? कहो। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें एक खराबी है। क्या? तुम शराब पीना छोड़ दो तो तुम प्योर गोल्ड के हो जाओगे। नहीं भाई, मैंने गोल्ड का नहीं बनना, क्योंकि अगर गोल्ड का बना ना तो गोल्डी बन जाऊंगा। तुम्हें तो पता है गोल्डी का क्या हुआ। गोल्डी नहीं बनना मुझे। तुम कभी सीरियस नहीं हो सकते? अरे बाबा, सीरियस हूँ, सीरियसली कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तुम ये बताओ तुमने वो बॉटल कहाँ रखी है मेरी? बॉटल? मैं नहीं बताऊंगी वो बॉटल कहाँ है, और खबरदार तुमने उस बॉटल को छुआ भी तो। ओके, सॉरी सॉरी। खाना खाओ खाना। हो सकती है मेरी बॉटल? अरे ये मलिका ने छुपाई कहां पर है? हाँ, मिल गई मेरी लाल परी। एक घूंट पीना तो बनता है ना बॉस। हाँ, यहाँ पर गोल्डी को देखा। गोल्डी को देखा? इस बार मैंने सिर्फ उसकी आवाज नहीं सुनी बल्कि उसको यहाँ पर खड़ा हुआ देखा मैंने, और वो सामने वहाँ पर खून से लिखा हुआ था कि वो अभी भी इसी बंगले में, यहाँ से गया नहीं है वो। वहाँ पर तो कुछ नहीं लिखा हुआ। और ये क्या है, मुझे फिर से शराब पीनी शुरू कर दी। ये सब शराब की वजह से हो रहा है और कुछ नहीं, ये सब तुम्हारा वहम है। ये शराब की वजह से नहीं, मैंने खुद देखा है, वो वहां लिखा हुआ भी देखा है। वहां वहां मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे, अगर गोल्डी यहाँ था तो यहाँ पे क्यों नहीं है, वो कहाँ गायब हो गया, वहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ। पता नहीं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो देखो कहाँ है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। वहीं पर तो वहीं खड़ा हुआ था वो। ये सब तुम्हारा वहम है, प्लीज भगवान के लिए शराब पीना बंद कर दो प्लीज। मैं नहीं पीऊंगा कभी, कभी शराब नहीं पीऊंगा, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। नहीं, हे भगवान, मुझे तो शराब की लत ही लग गई है, इसके बिना तो जिंदगी गुजारना और मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। क्या करूं, पी लूं क्या? नहीं नहीं सौरभ, पीना नहीं, पीना नहीं, आज पानी पीकर ही अपनी प्यास बुझाता हूं। ये शराब कैसे मिल गई? इसके अंदर भी सारी शराब भरी हुई है। ये क्या हो रहा है मुझे, ये शराब कैसे मिल गई?
मलिका। क्या हुआ? मुझे यहाँ पर ना अभी गोल्डी दिखाई दिया, अभी यहाँ पर गोल्डी दिखाई दिया। गोल्डी? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अभी नहीं है, लेकिन वो यहीं पर था, मेरा विश्वास करो। और मैंने जब पानी पीने के लिए बोतल निकाली ना, तो वो शराब बन गई थी। ये देखो शराब, ये तो पानी की बोतल। नहीं मलिका, इसमें शराब थी, अंदर भी सारी बोतलों में शराब भरी हुई। फ्रिज में शराब? तुम देखो, देखो, देखो। कहाँ है शराब? मुझे तो सारे पानी की बोतल नजर आ रही है। वो क्या रहा है? मुझे क्या हो रहा है मलिका? ये मुझे क्या हो रहा है? वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा। उसका भूत ना बदला लेने के लिए इसी बंगलों में भटक रहा है। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता मलिका, मैं मरना नहीं चाहता। मैंने कहा ना तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। हेलो, हेलो जयदीप, मैं मलिका बात कर रही हूँ। हाँ मलिका, बोलो क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? जयदीप, मैं बहुत परेशान हूँ। जयदीप, सौरभ को पता नहीं क्या हो गया, बहुत अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। कभी बोलता उसे गोल्डी नजर आ रहा है, कभी बोलता उसे गोल्डी की आवाज़ें सुनाई दे रही है। ये क्या बोल रही हो? क्या 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 कह रही हो तुम? मेरा यकीन मानो, मैं सच बोल रही हूँ जयदीप। वो खुद तो पागल हो गए, वो मुझे भी पागल कर दे। प्लीज प्लीज, क्या तुम बंगलो भी आ सकते हो? मलिका तुम रो मत, घबराओ मत, मैं अभी आता हूँ। जल्दी आना। मैं तुम्हारे कब से इंतजार कर रही थी, यहाँ पे क्यों खड़े हो? अंदर आओ। सौरभ को हुआ क्या है? वो पता नहीं ना जाने अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। रुको 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 रुको, जो तुमने मुझे फोन पे बताया उसे सुन के मैं खुद भी परेशान हूँ, और जो मुझ पे बीत रही है सिर्फ मैं जानती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम घबराओ मत, मैं आ गया हूँ। अब सौरभ नजर नहीं आ रहा, सौरभ कहाँ है? सौरभ पे तू आ गया मेरे भाई, आ गया तू आ गया। हाँ सौरभ, मैं आ गया हूँ, और 5 करोड़ रुपए बैग में भी लाया। 5 करोड़? मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, तूने वापस ले जा, वापस ले जा। लेकिन क्यों? क्योंकि ये पूरी गड़बड़ इन्हीं पैसों की वजह से हो रही है। तू एक काम कर, इसको दान दे दे, किसी को भी दे दे, मुझे इसमें से 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मुझे प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट नहीं करना है, वो मुझे मार डालेगा, तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। हमने उसके साथ बहुत गलत किया, बेवकूफ बनाया उसे। तुझे याद है तू ही लेकर आया था उसे मुझे और मलिका से मिलवाने के लिए, याद है तुझे? हाँ। जी रिंकू जी, मैं मलिका बात कर रही हूँ, क्या आपने मेरी उन प्रोड्यूसर से बात की? हाँ, वो मुझे काम की बहुत ज्यादा जरूरत है, और आप तो जानते ही हैं ग्लैम वर्ल्ड में रहने के लिए अपने आप को कितना मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन गुड्डू जी, आप तो जानते हैं कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अभी ठीक नहीं है, मैं खुद अपने दोस्त जयदीप के यहाँ पर रह रहा हूँ। अच्छा, आप वो हीरो के रोल के बारे में बताने वाले थे, उसका क्या हुआ? हाँ हाँ, उसी फिल्म में। सर आप 10% क्या, मैं आपको 20% दूंगा सर। सर आप एक बार डन तो करा दीजिए प्लीज। नहीं नहीं, मैं आपको खुद फोन करूंगा सर। ओके, नेक्स्ट वीक, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स मीट गोल्डी, बैठ 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 बैठ। पंजाब से आया हीरो बनने के लिए, एंड गोल्डी मीट माय फ्रेंड सौरभ। हाय हाय। एंड मलिका। हाय हाय हाय। जिस प्रोजेक्ट के बारे में हमने बात की थी उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि गोल्डी गोल्डन स्पून लेकर पैदा हुआ है। पंजाब में बहुत प्रॉपर्टी थी बट अनफॉर्चुनेटली मम्मी डैडी की डेथ होने के बाद सारी प्रॉपर्टी बेच दी और मुंबई आ गया। लेकिन अब इसकी लाइफ का एक ही टारगेट है, हीरो बनना, स्टार नहीं सुपरस्टार बनना। किवड़ी वाव दैट्स सुपर। अगर मनी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं है। हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग गोल्डी को लेकर सबसे पहले एक हॉरर फिल्म बनाएंगे। लेकिन हॉरर फिल्म क्यों? क्योंकि माय डियर फ्रेंड, तुम बॉलीवुड की हॉरर फिल्म का ट्रैक रिकॉर्ड अगर उठाकर देखोगे तो तुम ये देखोगे कि ज्यादातर हीरो हीरोइन नए थे, उसके बाद भी फिल्में सुपरहिट हुई हैं। क्योंकि हमारी जो इंडियन ऑडियंस है ना, वो हॉरर फिल्म के नाम पर सिर्फ भूत की फिल्म समझकर देखने जाती। क्यों मलिका, गलत कह रहा हूं कुछ? करेक्ट, सौरभ ठीक कह रहे हैं। इनफैक्ट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट जॉनर है, सबसे ज्यादा सेफेस्ट जॉनर है। इनफैक्ट एक बार गोल्डी की फिल्म हिट तो गोल्डी सुपरस्टार। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। फिर हम गोल्डी को लेकर हॉरर मूवीज नहीं बनाएंगे, एक्शन मूवीज बनाएंगे। फिर हमारा गोल्डी भी हीरो की तरह एक्शन करेगा, क्यों? बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है जयदीप। उसके बाद तो हमारे गोल्डी की पांच उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। फिर तो सारी दुनिया की लड़कियां इसकी फैंस, फिल्म फेयर अवार्ड्स, स्क्रीन अवार्ड्स, प्रोड्यूसर्स की लाइन, मीडिया का हंगामा और टीवी के एडवर्टाइजमेंट के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, सब कुछ होंगे भाई के पास। अरे बस करो यार, पहले हमारी फर्स्ट फिल्म तो आने दो। अरे जब जेब में पैसे हैं तो फिल्म भी बन जाएगी ना यार। हाँ, अरे वैसे भी सुपरस्टार्स बनते नहीं है, बनाए जाते हैं, समझा? राइट। और वैसे तुम में वो हर एक चीज है, सुपरस्टार वाली क्वालिटी है। इनफैक्ट तुम स्मार्ट हो, गुड लुकिंग हो, तुम इतने चार्मिंग हो कि कोई भी लड़की तुम्हारी फैन हो सकती है। इंतजार कर रही थी। क्या हुआ मलिका, मुझे यहाँ चुपके से क्यों बुलाया? वो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, कुछ दिल की बात। क्या? हाँ, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। लेकिन सौरभ, मैंने सौरभ से कभी प्यार नहीं किया था। मैंने हमेशा हमेशा तुम्हारे जैसे हस्बैंड की कल्पना की है, जो सबसे ज्यादा स्मार्ट हो, गुड लुकिंग हो, उसमें सब कुछ हो। सच? या रियली मलिका, तो जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मुझे तुम तभी पसंद आ गए थे। सच? यस। क्या हम आज रात मिल सकते हैं यहीं? लेकिन जयदीप और सौरभ? वो दोनों आज नासिक जाने वाले हैं एडवर्टाइजमेंट की जगह फाइनल करने के लिए। That's great. तो आज क्या हम रात को यहाँ पर मिल सकते हैं? Of course, जरूर आओ। एक बात बोलूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं नहीं, कहो। वो मुझे लगता है कि वो दोनों आते ही होंगे, अभी तुम्हें यहाँ से जाना होगा, हम लोग रात को मिलते हैं। हाँ तुम ठीक कह रही हो। बाय बाय। सौरभ, जॉयदीप, ये बकरा अब कटने के लिए तैयार है, आज रात फिर से आए। मलिका, कहीं वो दोनों आ तो नहीं जाएंगे ना? नहीं बाबा,
मैंने उन दोनों को फोन करके कंफर्म कर लिया, वो दोनों नासिक के होटल में आराम फरमा रहे हैं। That's great. अच्छा, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। बोलो। मैंने अपने फिल्म में पैसा लगाने का फैसला कर लिया है, और वो भी बहुत बड़े बजट की फिल्म, पूरे 5 करोड़ की, और बस एक दो दिन में पैसे मेरे हाथ में आ जाएंगे। अरे पा, ये तो बहुत ही अच्छा फैसला किया तुमने। अभी तो दो और फैसले सुनाने बाकी हैं तुम्हें। दो फैसले? पहला ये कि मेरी फिल्म मेरी मलिका ही मेरी हीरोइन बनेगी। सच्ची? ऑफ कोर्स। भाई आखिर तुम्हें कमी ही क्या है, खूबसूरत हो, स्मार्ट हो, और दिल लूटना तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। मैं बता रहा हूं मलिका, बस एक बार तुम स्क्रीन पे आ जाओ भाई, करोड़ों लोग तुम्हारे फैन हो जाएंगे। दूसरा फैसला ये है मेरी प्रिंसेस, कि मैंने मुंबई में एक बड़ा सा बंगलो लेने का फैसला किया, और वो भी तुम्हारे नाम पे। मलिका सच कहूं तो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और ये गोल्डी की तरफ से एक छोटा सा तोहफा, अब देखना आगे और कितने सरप्राइजेस है। बस तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट? बोलो। मलिका, कभी भी इस गोल्डी का दिल मत तोड़ना, क्योंकि ये गोल्डी जितना अच्छा है ना उतना बुरा भी। मैं पागल थोड़ी ना हूं कि तुम जैसे लड़की को धोखा दूंगी। मलिक, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। चीयर्स। ये सेलिब्रेशन आज कोर्ट में बंगलों की रजिस्ट्री होने की खुशी में, मलिका के नाम पर ये बंगलों मिलने की खुशी में। अरे भाई, हमारी मलिका आज मुंबई जैसे शहर में करोड़ों के बंगले की मालकिन बन गई है भाई। ये तो अभी शुरुआत है, गोल्डी की वजह से हमें सेलिब्रेशन करने का मौका बहुत बार मिलेगा। कल 31st की रात है, और बंगलों की चाबी भी मिल जाएगी, और कल उसी बंगलों में गोल्डी मेरे साथ 31st सेलिब्रेट करना चाहता है। ये सब तो ठीक है मलिका, पर वो 5 करोड़ कब देगा? गोल्डी के हाथ में 5 करोड़ आ चुके हैं, और कल हमारे हाथ में आ जाएंगे। मतलब कल हमारी पूरी लाइफ सेट। यस ब्रो, पूरी लाइफ सेट। लगता है ये नया साल हमारे लिए बहुत सारी नई खुशियां लेने वाला है। इसी बात पे चीयर्स। आज तुम्हारे लिए एक और गुड न्यूज है, कल से हमारी फिल्म शुरू होने वाली है। फिल्म? और उसके लिए मैंने पूरे 5 करोड़ का अरेंजमेंट भी कर लिया। देखना मलिक, अब हमारी हॉरर फिल्म शुरू हो जाएगी, जिसकी तुम हीरोइन और मैं हीरो। मैं जानता हूँ मलिका कि ये भूत वाली फिल्म ना एकदम सुपर हिट होने वाली है। अरे इसी खुशी में हमारे हाथों से एक और पैग हो जाए। हम अपना काम करेंगे। मलिका, तुम
तुम अपने हाथों से मुझे मुझे जहर भी पिलाओगी ना तो भी मैं हंसते हंसते पीलूंगा मलिका, बिकॉज इस गोल्डी ने ना तुम्हें सच्चा प्यार किया मलिका, मलिका आई लव यू मलिका, तुम गोल्डी तुमसे मुझे सच्चा प्यार करता है मलिका। तुम सही कह रहे हो गोल्डी, क्या देख रहा हूँ मलिका, सौरभ, जयदीप, तुम लोग को तो हमने नहीं नहीं बुलाया यहाँ पे, तुम दोनों कहाँ से, किसने बुलाया? ये तो हाँ सौरभ, मैं झूम रहा हूँ, मेरी तू हट, मेरी मलिका है ना, मेरी मलिका और मेरी फिल्म आने वाली है, मैं हीरो, ये हीरोइन, हमारी मूवी ना एकदम सुपर हिट डुपर हिट गोल्डन सिल्वर प्लैटिनम झूम रहा हूँ आज, मेरे को झूमने दो गोल्डी, और झूमना चाहोगे? बिल्कुल, मैं और झूमूंगा पूरी रात, आज झूमूंगा मैं दिन में, मेरी मलिका, मैं हीरोइन, हीरो, हम वो झूम, अरे मेरा झूला लेके आया तू, मैं ये कर दिया, लेकिन लेकिन उसका भूत अभी भी यहां पर भटक रहा है, वो मुझे मार डालेगा।